सो गाइस 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 कैसे हैं आप सभी लोग एंड आप सभी का स्वागत है फिर से जीडीए 5 के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस यार आज की वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है एंड थोड़ा बहुत डर भी लगने वाला है। अरे फ्रैंकलिन भाई आपने तो गन पहले ही निकाल ली। अरे शिनचैन यार अभी यहाँ पे मजाक करने का टाइम नहीं है। सो गाइस यार सबसे पहले मैं आपको बताई देता हूँ कि आज अपने लॉस सैंटोस के अंदर हुआ क्या है। तो गाइस यार अभी एक घंटे पहले अपना फ्रैंकलिन एंड अपना शिनचैन आराम से दोनों बैठ के अपने फ्रैंकलिन के घर पे टीवी देख रहे थे। एंड गाइस यार जैसे ही अपने फ्रैंकलिन ने अपनी न्यूज लगाई, अरे फ्रैंकलिन भाई इसके आगे मैं बताऊंगा। अरे हाँ हाँ शिनचैन तू ही बता दे आगे जल्दी से। तो दोस्तों जैसे फ्रैंकलिन भाई ने लॉस सैंटोस की न्यूज लगाई, न्यूज पे बता रहे थे कि हमारे लॉस सैंटोस के अंदर आ चुका है एक अल्फा वेयरवुल्फ। अरे क्या बात है शिनचैन तूने एकदम सही न्यूज बताई है। सो गाइस यार जैसे कि आप सभी लोगों को अपने शिनचैन ने बताया दिया है कि अपने लॉस सैंटोस के अंदर आ चुका है एक अल्फा वेयरवुल्फ। एंड गाइस यार आप सभी को तो याद ही होगा हमारे GTA 5 के कुछ एपिसोड पहले अपने लॉस सैंटोस के अंदर आई थी एक वेयरवुल्फ की आर्मी। एंड गाइस यार उस आर्मी के पीछे अपने पेनीवाइज का हाथ था। बट गाइस यार अपने फ्रैंकलिन ने उस वाली वेयरवुल्फ की आर्मी को खत्म कर दिया था। एंड गाइस यार उसी के बाद अपना पेनीवाइज भी अपने लॉस सैंटोस छोड़ के भाग गया था। बट गाइस यार आई डोंट नो इस बार अपने लॉस सैंटोस के अंदर वो अल्फा वेयरवुल्फ कहां से आया है, कहां पे जाएगा, पागल वेयरवुल्फ हमें मरवाएगा। अबे भाई साहब शिनचैन तुझे अभी भी यार मजाक सोच रहा देखना, गाइस यार अभी भी ये खड़े खड़े गाने गा रहे हैं। सो एनीवेज गाइस यार आज की वीडियो में अपना फ्रैंकलिन एंड अपना शिनचैन उस वाले अल्फा वेयरवुल्फ की लोकेशन पर जाने वाले हैं। एंड गाइस यार देखते हैं उस वाले अल्फा वेयरवुल्फ के पास कितनी ज्यादा पावर है। एंड गाइस यार वो अल्फा वेयरवुल्फ अपने लॉस सैंटोस के लोगों को उठा उठा के लेके जा रहा है। एंड गाइस यार आई डोंट नो वो उनके साथ क्या करता है। बट गाइस यार यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अपना अल्फा वेयरवुल्फ है वो ऐसी जगह पे रहता है जहां पे बस एक छोटा सा एयरप्लेन जा सकता है। एंड गाइस यार इसलिए अपने शिनचैन एंड अपना फ्रैंकलिन इस वाले रिवर के पास आए थे ताकि हमें यहां पे कोई एयरप्लेन मिल सके। बट गाइस यार यहां पे तो एक भी एयरप्लेन नहीं खड़ा। तो गाइस यार एक काम करते हैं अपना फ्रैंकलिन एंड अपना शिनचैन उस वाले पहाड़ के पास एक और रिवर है, हम उस वाले रिवर पे चलते हैं। एंड गाइस यार आई नो उस वाले रिवर पे हमेशा एक छोटा सा एयरप्लेन रहता ही है, तो गाइस यार इस बार भी होगा। एंड गाइस यार जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अपने फ्रैंकलिन एंड अपने शिनचैन की कार वो नीचे खड़ी हुई है जो कि अपने लैम्बोर्गिनी टैजो है। एंड गाइस यार हम उसी वाली कार में बैठ के उस वाले रिवर के पास जाने वाले हैं ताकि हमें वो छोटा सा एयरप्लेन मिल सके। एंड गाइस अपने फ्रैंकलिन एंड शिनचैन उस वाले अल्फा वेयरवुल्फ की लोकेशन पे जा सके, क्योंकि गाइस यार वहां पे कार बाइक या फिर कोई शिप नहीं जा सकती। तो शिनचैन एक काम कर जल्दी से तू मेरे पीछे पीछे आ जा और आराम से आइयो, ये वाली सीढ़ियां बहुत फिसलती हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया कहां पे भागे जा रही हो, मेरे लिए तो रुक जाओ। अरे शिनचैन यार तेरे को बिना लिए मैं कैसे जा सकता हूं। एंड गाइस यार जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अपने फ्रैंकलिन की लैम्बोर्गिनी टैजो कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है। तो गाइस यार मुझे अभी के अभी कमेंट में बताओ कि आप सभी को अपने फ्रैंकलिन की लैम्बोर्गिनी टैजो कैसी लगी। एंड गाइस यार जो इसके ऊपर ये ब्लू कलर करवाया है वो अपने शिनचैन ने करवाया, क्योंकि गाइस ये वाला कलर अपने शिनचैन को कुछ ज्यादा पसंद आया था। तो शिनचैन एक काम कर जल्दी से तू अपनी कार के अंदर बैठ जा, अब हम जल्दी से उस छोटी वाली रिवर के पास चलते हैं ताकि हम वहां से वो वाला छोटा वाला एयरप्लेन ले सके। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो गलत बात है, आपने आते वक्त कहा था कि इस बार गाड़ी मैं चलाऊंगा। अरे शिनचैन यार तू इतने खतरनाक टाइम में भी कार चलाने के लिए कैसे मांग सकता है यार, अभी तो टाइम को समझ, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो गलत बात है ना। अरे शिनचैन यार तेरे को मैंने वो छोटी वाली कार दे तो रखी, तो उसे चलाना। ओ शिनचैन मेरी बात समझ, अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि अभी हमें उस अल्फा वेयरवुल्फ के पास जाना है। अरे फ्रैंकलिन भैया आप बोल तो ऐसे रहे हो कि खुद को बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी चलानी आती है, खुद तो दो दो मिनट में गाड़ी ठोकते फिरती है। ये देखो गाइस यार फिर से इन्होंने अपनी गाड़ी ठोक दी। अरे ओ शिनचैन तू कुछ ज्यादा फालतू नहीं बोल रहा, शांति से अपनी कार के अंदर बैठे रहे। एंड गाइस यार आई नो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपना माइकल एंड ट्रेवर कहां पे है। तो गाइस यार मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि अपना ट्रेवर बेचारा कहां पे है। तो गाइस यार अपने ट्रेवर को किसी गैंग वालों ने गन मार दी थी। एंड गाइस यार इसी वजह से जो अपना ट्रेवर है वो बेचारा किसी लॉस सैंटोस के हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड गाइस यार जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता ही है कि जो अपने माइकल दादा है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो गाइस यार अभी अपना माइकल किसी काम से अपने लॉस सैंटोस से बाहर जा रखा है, इसलिए अपने माइकल एंड ट्रेवर अपने फ्रैंकलिन के साथ नहीं आए हैं। और शिनचैन मैं तुमको अभी भी कह रहा हूँ यार तू मेरे साथ मत जा, वहाँ पे कुछ ज्यादा खतरा हो सकता है। So, alright everybody, finally अपने फ्रैंकलिन एंड शिनचैन अपने उस वाले रिवर की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें वो छोटा वाला एयरप्लेन मिलने वाला है।
अरे फ्रैंकिन भैया, हम पहुंच भी गए वहाँ पे। अरे हाँ शिनचैन, जल्दी से मेरे पीछे आ जा। बस हमें इन वाली सीढ़ी से नीचे उतरना है और उसके बाद हमें वो वाला एयरप्लेन मिल जाएगा। एंड गाइस, देखते हैं कि वो वाला एयरप्लेन यहाँ पे कहाँ पे खड़ा हुआ है। शिनचैन एक काम कर, तू भी वो वाला एयरप्लेन देखते रहे, क्या पता तुझे मेरे से पहले मिल जाए। एक सेकेंड शिनचैन, वो देख भाई, वो खड़ा हमारा एयरप्लेन। अरे फ्रैंकिन भैया, कितना खतरनाक एयरप्लेन लग रहा है वो। अरे हाँ शिनचैन, वो खतरनाक एयरप्लेन है। एक काम कर, जल्दी से हम उस वाले एयरप्लेन के पास चलते हैं, पता लगे हमसे पहले उस वाले एयरप्लेन का मालिक उसे ले जाए। अरे शिनचैन जल्दी मेरे पीछे पीछे आ यार, क्या कर रहा है। अरे फैल्कन भैया, मैं तो आपसे आगे जाऊंगा, हटो। अरे हाँ हाँ ठीक है यार, तू मेरे से आगे आ जा। एंड गाइस यार, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, फाइनली अपना फ्रैंकिन एंड अपना शिनचैन पहुंच चुके हैं इस वाले एयरप्लेन पे। एंड गाइस यार, अच्छा हुआ इस वाले एयरप्लेन का मालिक यहाँ पे नहीं आया। अरे फ्रैंकिन भैया, ये वाला एयरप्लेन कितना ज्यादा खतरनाक है ना। अबे भाई साहब, तू पानी के अंदर क्या कर रहा है ये बता पहले। अरे फ्रैंकिन भैया, पानी कुछ ज्यादा ठंडा है, मुझे तो मजा ही आ गया। अबे भाई, तू यहाँ पे नहा बाद में लियो, ये देखो गाइस यार, ये तो अलग ही मजे कर रहा है। अबे जल्दी यार शिनचैन, एक काम कर, जल्दी से अब तू मेरे पीछे पीछे इस वाले एयरप्लेन के अंदर बैठ जा। अरे फैल्कन भैया, आप पानी में क्यों जा रहे हो। अबे भाई, पानी में तो जाने पड़ेगा ना, वरना मैं इस एयरप्लेन पे कैसे आता। और मैं भी देखूं तू इस वाले एयरप्लेन पे कैसे आता है। अरे फ्रैंकिन भैया, मुझे भी पानी के अंदर से ही आना पड़ा। तो चलो गाइस यार, फाइनली अपने फ्रैंकिन एंड शिनचैन अपने एयरप्लेन के अंदर बैठ चुके हैं। अरे फ्रैंकिन भैया, मैं ये वाला बटन दबा दूं क्या। अरे अरे शिनचैन भाई, वो वाला बटन मत दबाइयो। अरे फ्रैंकिन भैया, आप कितना ज्यादा डरते हो, मुझे इतना पता है, मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूँ। अरे क्या बात है शिनचैन, आजकल तो तू कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया। अरे फ्रैंकिन भैया, आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। तो गाइस यार, अपने फ्रैंकिन एंड अपने शिनचैन को उस वाले अल्फा वेयरवुल्फ के पास जाने के लिए आप सभी की हेल्प चाहिए। हाँ गाइस, हमें आप सभी की बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, इससे हमें बहुत ज्यादा शक्ति मिलने वाली है। तो शिनचैन एक काम कर, अब तू जल्दी से अपनी सीट बेल्ट पहन ले, अब मैं अपना एयरप्लेन चालू कर रहा हूँ। अरे वाह फैल्कन भैया, कितना ज्यादा खतरनाक आवाज आ रही है इस एयरप्लेन में से। अरे हाँ शिनचैन, वो तो मुझे पता ही है, ये वाला एयरप्लेन कुछ ज्यादा तगड़ा है। एंड गाइस यार, फाइनली अपना फ्रैंकिन एंड अपने शिनचैन इस वाले एयरप्लेन को लेके उड़ चुके हैं। अरे फ्रैंकिन भैया, इस वाले एयरप्लेन को थोड़ा ऊपर लो ना, वरना ब्लास्ट हो जाएगा। और शिनचैन, एक बार तू अपने लॉस सैंटोस की सिटी देख, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। अरे हाँ फ्रैंकिन भैया, सच्ची में अपनी लॉस सैंटोस सिटी कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है रात में। हाँ यार शिनचैन, पर अभी यहाँ पे हमें लॉस सैंटोस की सिटी पे नहीं जाना, हमें इन वाले पहाड़ों के एकदम आगे जाना है, जहाँ पे वो अल्फा वेयरवुल्फ हमारा इंतजार कर रहा है। एंड गाइस यार, आई डोंट नो उस वाले अल्फा वेयरवुल्फ के पास कितनी ज्यादा पावर होने वाली है, और वो अल्फा वेयरवुल्फ यहाँ पे आया कैसे। शायद से उसके पीछे भी अपने पेनीवाइज का हाथ हो सकता है। पर गाइस यार, ऐसे सुनने में आया है जो वो वाला अल्फा वेयरवुल्फ है, वो पहले वाले वेयरवुल्फ से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तो गाइस यार, मुझे लग रहा है उसके पीछे पेनीवाइज का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पेनीवाइज से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे फ्रैंकिन भैया, ये वाली आरपीजी मैं कहाँ पे रखूँ। अबे शिनचैन, तू इसको प्लेन के पीछे फेंक देना। अरे गाइस यार, अपने शिनचैन ने तो अपनी आरपीजी अपने हाथ में भी रख ली, इसको इतनी तेज खुन्नक आ रही है भाई, अपने शिनचैन को मारना पड़ेगा। सो ऑलराइट एवरीबॉडी, फाइनली अपना फ्रैंकिन एंड अपना शिनचैन इस वाली वेयरवुल्फ की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। पर गाइस यार, अभी हमने यहाँ पे आके देखा, इस वाली लोकेशन पर तो कुछ ज्यादा ही तेज तूफान आ रहा है, अपना फ्रैंकिन अपने एयरप्लेन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। अरे फ्रैंकिन भैया, एयरप्लेन को आराम से उड़ाओ, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे शिनचैन यार, तू कैसी बातें कर रहा है भाई, तू अपने साथ मुझे भी चला रहा है। टेंशन मत ले, मैं इस वाले एयरप्लेन को नहीं क्रैश होने दूंगा। एक काम करते हैं, हम रोड के सहारे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट तो होगी। गाइस यार, ये देखो, ये रही वो थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट, हम इसी के सहारे जाएंगे। अरे फ्रैंकिन भैया, ये देखो साइड से ट्रेन जा रही है। एंड गाइस यार, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इस वाली लोकेशन पे कितना तेज तूफान आ रहा है भाई, हमें सामने का कुछ दिख भी नहीं रहा। अरे फ्रैंकिन भैया, एयरप्लेन को थोड़ा ऊपर उड़ाओ ना, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं नना को दीदी को क्या बोलूंगा। अबे शिनचैन भाई, क्या बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है यार, देख तुझे तू बोल क्या रहा है। अरे फ्रैंकिन भैया, सामने देखो पेड़ है। अबे शिनचैन, कूद जल्दी कूद जाओ। शिट गाइस यार, अपना एयरप्लेन क्रैश हो गया। ओ भाई साहब, शिनचैन यहाँ तू कहाँ पे है। गाइस यार, गाइस अपना एयरप्लेन क्रैश हो गया। वो भाई शिनचैन, तू कहाँ पे है। अरे फ्रैंकिन भैया, आप तो बहुत ज्यादा गंदे हो, आपने तो
मुझे अभी मार ही दिया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने एयरप्लेन से कूद गया। जाओ, मैं आपसे अब बात नहीं करूंगा, मैं यहीं से आपको छोड़ के जा रहा हूँ। अभी अभी शिनचैन भाई, सॉरी सॉरी, माफ कर दे यार, गलती से ये वाला एयरप्लेन क्रैश हो गया। मुझे इतने घने तूफान में ये सामने बड़े बड़े पेड़ दिखे ही नहीं गाइस यार। अरे फ्रैंकिन भैया, मुझे पता है आप मुझे मार के अकेले अकेले सारा इनाम रखना चाहती हो। अबे शिनचैन, तू कैसी बातें कर रहा है भाई, पागल तो नहीं हो गया? तू मेरा छोटा भाई है, तू ऐसी बात कैसे सोच सकता है? तो फ्रैंकिन भैया, अभी तो मैं मरते मरते बचा हूँ ना, अभी तो मैं मर ही जाता। अरे शिनचैन भाई, मुझे माफ कर दे यार, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। और ये क्या, तुझे जो आवाज आई वही मुझे आवाज आ रही है? यहाँ पे मुझे वेयरवुल्फ की आवाज आ रही है गाइस यार। अरे फ्रैंकिन भैया, मुझे तो आपकी बात की आवाज आ रही है बस। अबे शिनचैन भाई, तू कैसी बातें कर रहा है यार, मजाक मत ले। शिनचैन, तुझे आवाज आ रही होगी, देख फिर से आ रही है। अरे फ्रैंकिन भैया, आप सही बोल रहे हो, अब तो मुझे भी आ रही है। अरे गाइस यार, मुझे लग रहा है हम उस वाले वेयरवुल्फ की लोकेशन पे आ चुके हैं। एंड गाइस यार, यहाँ पे तो हमारा एयरप्लेन भी क्रैश हो चुका है और आसपास कोई गाड़ियां भी नहीं दिख रही मुझे तो। अरे फ्रैंकिन भैया, यहाँ पे तो अब कितनी तेज हवा भी चलने लगी। अरे हाँ यार शिनचैन, तू एकदम सही कह रहा है, यहाँ पे तो कितनी तेज हवा चल रही है। और ये क्या? अरे फ्रैंकिन भैया, मुझे तो फिर से आपके बात की आवाज आई। अबे भाई शिनचैन, तू यहाँ पे मजाक करना बंद कर यार, यहाँ पे मुझे वेयरवुल्फ की आवाज आ रही है। और ये गाइस पता नहीं कैसी कैसी बातें करे जा रहा है अपना शिनचैन। और एक तो शिनचैन इतना ज्यादा छोटा है, इन वाली झाड़ियों के अंदर मुझे दिखाई भी नहीं देता। अरे फ्रैंकिन भैया, आप इस टॉर्च को अंदर रख लो और अपने हाथ में आरपीजी निकाल लो, पता लगे वो वेयरवुल्फ का बच्चा आपके पीछे से आके आपको धप्पा कर दे। अबे शिनचैन भाई, तू कैसी बातें कर रहा है, मुझे डरा भी रहा है और खुद भी डर रहा है। वैसे गाइस यार, अपना शिनचैन बोल तो एकदम सही रहा है। और गाइस यार, अभी अपने फ्रैंकिन एंड शिनचैन थोड़ा सा आगे आए थे। एंड गाइस यार, ये देखो, यहाँ पे किसी बंदे की लाश पड़ी हुई है। अरे फ्रैंकिन भैया, ये वाला इंसान कितनी गंदी तरीके से मर रखा है। अरे हाँ यार शिनचैन, तो सही कह रहा है गाइस यार, मेरे हिसाब से इस वाले बंदे को उस वाले वेयरवुल्फ ने मारा होगा भाई, इसको तो एकदम अंदर से उसने खा लिया। और यहाँ पे आसपास और कोई है क्या? गाइस यार, मेरे हिसाब से आसपास और भी बंदे होंगे। एक सेकेंड गाइस यार, यहाँ पे तो और भी बंदे पड़े हुए हैं। अरे फ्रैंकिन भैया, इस वाले इंसान की तो आँख ही गायब हो गई। अरे हाँ यार शिनचैन, तू तो एकदम सही बोल रहा है। अरे फ्रैंकिन भैया, मैं तो आपसे अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ से भाग लेते हैं, इनाम विनाम छोड़ो भाई। अरे शिनचैन नहीं, अगर हम इतनी आगे आ चुके हैं तो हम उस वेयरवुल्फ को देख के जाएंगे कि उसके अंदर कितनी सारी पावर्स है। एंड गाइस यार, यहाँ पे तो कितने सारी लाशें पड़ी हुई हैं, एक के बाद एक लोग हमें मिले जा रहे हैं भाई। कितनी गंदी तरह मार रखा है उस वाले वेयरवुल्फ ने इन सभी को। एंड गाइस यार, मेरे हिसाब से सामने तो पूरी लाश ही लाश पड़ी हुई है। एक सेकंड, शिनचैन, शिनचैन कहाँ है तू? भाई साहब, मुझे सामने से अभी कुछ ज्यादा ही तेज आवाज आई। अरे फ्रैंकिन भैया, इस बार तो मेरे को भी आपकी बात की नहीं, उस वाली वेयरवुल्फ की आवाज आई। एक सेकंड यार, ये लाश अपने आप कैसे चल रही है? अबे ये तो मरी हुई है, तो ये बंदा अपने आप कैसे चल रहा है? एक सेकंड। अरे फ्रैंकिन भैया, ये तो जादू हो रहा है। अबे भाई, ये जादू वादू नहीं हो रहा, इसको किसी ने नीचे फेंका है। गाइस यार, आई डोंट नो, इस वाले बंदे को किसने नीचे फेंका भाई, ये तो लाश है एक। कौन ऊपर से फेंक रहा है इनको मार मार के, कौन है आखिर? ओ भाई, ये लाश तो अपने आप चल रही है। अरे फ्रैंकिन भैया, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई जादू शक्तियाँ है क्या? अरे शिनचैन, मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। और एक सेकंड शिनचैन, मुझे ऊपर से कैसी कैसी आवाजें आ रही है, कोई बंदा कुछ खा रहा है क्या? ओ माय गॉड, शिनचैन भाई, शिनचैन वो देख सामने कौन है? अरे फ्रैंकिन भैया, वो कौन है इतना बड़ा? अरे शिनचैन, ये तो वही है अल्फा वेयरवुल्फ, और शायद ये यहाँ पे लोगों को मार मार के खा रहा है, और वो लाश है इसी ने फेंकी थी वहाँ पे। अरे फ्रैंकिन भैया, क्या कर रहे हो, अपनी लाइट ऑफ कर लो यार, मरवाओगे क्या मुझे भी? अरे शिनचैन, तूने सही बोला यार, मैंने अपनी लाइट ऑफ कर ली। एंड गाइस यार, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इंसान को मार मार के खा रहा है। एक सेकंड शिनचैन, तू एकदम शांत है, मेरे पीछे पीछे आ, एक बार देख के तो आती है ये यहाँ पे कर क्या रहा है। एंड गाइस यार, वो देखो वहाँ पे, वो कैसे खा रहा है इंसानों को। अरे फ्रैंकिन भैया, मैं तो बोल रहा हूँ इसके ऊपर पीछे से अपनी आरपीजी चला दो। अरे शिनचैन, अगर ये वाला आइडिया फेल हो गया ना, तो तू मैं दोनों मारे जाएंगे और ये हमें भी पकड़ लेगा। अरे फ्रैंकिन भैया, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर आरपीजी मार दो पीछे से, वो देखो। चल शिनचैन यार, यहाँ पे मैं तेरी बात मान लेता हूँ और इसके ऊपर अपनी आरपीजी छोड़ देता हूँ। हाँ तो ठीक है शिनचैन, मैं इसके ऊपर आरपीजी मार रहा हूँ, तो 3, 2, 1। अरे फ्रैंकिन भैया,
भैया मारो भी, ये ले। अब शिनचैन जल्दी मेरे पीछे भाग गया। ओ भाई साहब, गाइस अपना फ्रैंकिन कैसे भाग रहा है, एंड गाइस आई डोंट नो अपना शिनचैन अपने पीछे आ रहा है या फिर नहीं। शिनचैन जल्दी मेरे पीछे आ। अरे फ्रैंकिन भैया मैं आ गया आपके पीछे पीछे ही हूँ, आप जल्दी आगे आगे भागो। अरे फ्रैंकिन भैया जल्दी से पीछे मुड़ के देखो, वो वेयरवुल्फ तो अपने पीछे ही आ रहा है। अबे शिनचैन क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई साहब शिनचैन जल्दी मेरे पीछे है पानी के अंदर, शायद वो पानी के अंदर नहीं आएगा। अरे फ्रैंकिन भैया आप तो मुझे फिर से मरवाओगे, वो वेयरवुल्फ तो पीछे ही आ रहा है। अबे शिनचैन तू टेंशन मत ले, जल्दी मेरी बोट के अंदर बैठ जा। शिनचैन कहां है तू, जल्दी जल्दी आ। अरे भाई साहब ये तो अपने पीछे ही आ रहा है। शिनचैन तू आराम से बैठ गया ना। अरे फ्रैंकिन भैया मैं तो बैठ गया, पर आप जल्दी से अपनी बोट भगाओ यार, वो अपने पीछे ही आ रहा है। अबे शिनचैन तू टेंशन मत ले, अब वो हमारे पीछे नहीं आ पाएगा क्योंकि वो वाला वेयरवुल्फ पानी के अंदर नहीं आता, मैंने अपनी न्यूज में देखा था। तो शिनचैन भाई तुझे अपनी ऑडियंस से कुछ बोलना है क्या? अरे हाँ फ्रैंकिन भैया, पहले आप अपनी बोट तो रोको। तो दोस्तों अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और गाइस यार अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और दोस्तों अगर आपको अल्फा वेयरवुल्फ का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। आप मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।